तो हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। आज है क्लास नंबर 4 हमारी ब्लॉगिंग के ऊपर, यानी कि चौथा दिन मान लीजिए आज हमारा है जो 90 दिन का कोर्स चल रहा है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप ब्लॉगर पे अपना अकाउंट जो क्रिएट करेंगे वो। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता जैसे एक पहली क्लास का बच्चा होता है, तो हर चीज़ जीरो से मैं बताने वाला हूँ। तो ठीक है गाइस, हम शुरू करते हैं। और एक चीज़, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने क्वेश्चन पूछने के लिए फॉर्म दे रखा है, आप वहाँ पे जाके मुझे अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। आपको आंसर 24 आवर में मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। और ये आंसर उन्हीं लोगों को मिलेगा जो आज के दिन क्वेश्चन पूछेंगे। कल या आने वाले एक साल में क्वेश्चन पूछते तो वो 24 घंटे की गारंटी मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता तब मैं आंसर कर पाऊँगा या नहीं। तो सबसे पहले आप गूगल ओपन कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल स्टेप है। डायरेक्ट यूआरएल बताने की भसड़ नहीं पालना चाह रहा मैं यहाँ, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे पहले अगर आपकी अपनी कोई जीमेल आईडी है, होगी डेफिनेटली होगी, तो बढ़िया है। अगर नहीं है, आप बिल्कुल नए हैं इस फील्ड में, तो आपको जाना है क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे मेरा नाम है सुधीर वशिष्ठ, यहाँ पे हमने अपना नाम डाला वशिष्ठ, ठीक है। और उसके बाद ईमेल आईडी बना दी, जैसे कोई ऑप्शन मिल जाए तो। अगर यहाँ मुझे सुधीर, सॉरी, मान लो जैसे ये बनाई मैंने ब्लॉगिंग कंप्लीट कोर्स, ठीक है। और यहाँ हमने पासवर्ड बना दिया, क्या एक पासवर्ड बना दिया हमने और नेक्स्ट करा, ठीक है, पासवर्ड बन गया। फ़ोन नंबर डालना है आपको, हाँ आपको फ़ोन नंबर डालना है, इस ऑप्शनल पे मत रहना। कभी पासवर्ड भूल गए तो यही फ़ोन नंबर है जो आपको आपकी आईडी का एक्सेस दोबारा दिलाने में हेल्प करेगा, ठीक है। रिकवरी ईमेल भी आपको ज़रूर डालना है। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालिए, जैसे मेरी है 6th of September 1994, और जेंडर मेल हमने डाल दिया, नेक्स्ट करा, और ये आई एग्री। और गाइज ये सिंपल हमारा अकाउंट यहाँ बन चुका है, क्लियर है। अब हम वेट करते हैं, जो भी कुछ ये लोडिंग टाइम ले रहा है आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे इसका अपना कुछ टाइम लग रहा है लोड होने में, और ये लोड हो गया है और ये आपका जीमेल पे अकाउंट बन चुका है गाइस। तो ये बेसिक तरीका था अकाउंट कैसे बनाते हैं जीमेल पे, ये फंक्शन आपको पता ही है। किसी को ईमेल करना है तो कंपोज पे आप जाके कर सकते हैं, और सेटिंग में जाके हम बहुत सारी चीज़ें आगे सीखेंगे कि इसका क्यों यूज़ करते हैं। सेटिंग में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता, ये सब इनके यूजेज़ मैं आपको आगे बताऊँगा, अभी नहीं। अब सेकंड ऑप्शन क्या है, हम वापस गूगल पे गए, हमने यहाँ सेलेक्ट करा, देखो यहाँ ढूंढना आपको ऑप्शन मिलेगा ये ब्लॉगर का, अगर आप देख पा रहे हैं तो। ये ब्लॉगर के ऑप्शन पे आपको सिंपल क्लिक कर देना है सर, और देखिए आप ब्लॉगर पे जब आप क्लिक करते हैं तो पहला ऑप्शन आ गया क्रिएट योर ब्लॉग और साइन इन। तो आपने सिंपल साइन इन पर क्लिक करा, ऑटोमेटिकली आपकी ये जो आईडी लॉगिन है दी जाएगी आपको, और ये साइन इन के लिए यहाँ पासवर्ड मांगेगा, क्रॉस वेरीफाई करेगा कि आप ओरिजिनल ऑनर हो ना, कोई और तो नहीं हो ना जो नया बंदा आ गया है सिस्टम पे बैठ गया है। तो हमने पासवर्ड डाला और ये लॉगिन कर लिया, इन्हें ऑथेंटिकेट कर दिया, मैंने कंफर्म कर दिया आईडी पासवर्ड को। अब यहाँ पे ये कह रहा है अपने ब्लॉग का कोई टाइटल दे दो, ठीक है। टाइटल किस लिए देना है, वो आपका शो होगा इंटरनेट पे। तो यहाँ मैंने जैसे लिख दिया डिजिटल सुधीर ब्लॉग, ठीक है, और मैंने इसको कर दिया नेक्स्ट। ये कंडीशन पढ़ लेना जिसका मूड हो ना, मेरा तो मैं कभी पढ़ता नहीं इतनी चीज़ें। और यहाँ हमने लिखा डिजिटल सुधीर ब्लॉग स्पोर्ट, तो ये मुझे मिलेगा नहीं, पता है क्यों नहीं मिलेगा, उसका रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो डिजिटल सुधीर डॉट ब्लॉग स्पोर्ट डॉट कॉम, ये किसी ने पहले से इस नाम से बना रखा है, इस वजह से ये मुझे नहीं मिल रहा। तो आपको यहाँ वही नाम मिलेगा जो पहले से अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो हमने क्या करना है, यहाँ हमने सर्च करना है जैसे डिजी सुधीर, तो ये हमें मिल जाना चाहिए। देखो नहीं मिल रहा, 20 हमने इसके बाद लिख दिया, अब भी नहीं मिल रहा साला, 2011 लिख दिया, मिल गया, ठीक है। तो आपको यहाँ डिजी सुधीर नहीं लिखना सर, यहाँ आपको वो लिखना है जो आप यूआरएल चाहते हो। यूआरएल क्या होता है मैं बता दूँ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। इसके ऊपर आर्टिकल मैंने डिजिटल सुधीर डॉट कॉम अपनी वेबसाइट पर लिखा है, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। इसको काट देते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब डिजिटल सुधीर 2011 ये हमारा ब्लॉग का यूआरएल हो गया। यूआरएल ये होता है जैसे आप देख रहे हैं इस तरीके से आपका ब्लॉग दिखेगा लोगों को, डिजिटल सुधीर डॉट ब्लॉग पोस्ट डॉट कॉम। तो हमने इसको नेक्स्ट कर दिया। हाँ हाँ भाई बताऊंगा वेबसाइट पर कैसे शिफ्ट करते हैं, टेंशन मत लो अगली वीडियो में, अभी इतना करो आप लोग जितना बता रहा हूँ, ठीक है। डिस्प्ले नेम क्या दिखे, मतलब जो आर्टिकल दिख रहा है उसका नाम क्या दिखे, तो मैं चाहता हूँ सुधीर वशिष्ठ मेरा और असली नाम इनको दिखाई दे, जो भी यूज़र हैं वशिष्ठ, मैंने लिख दिया। अब ये देखिए हमारा ब्लॉग बनके तैयार हो गया। आप कहोगे कैसे तैयार हो गया सर, ये देखिए कुछ इस तरीके से अभी ये ब्लॉग दिख रहा है हम लोगों को, और इसमें मैं कुछ बेसिक ऑप्शंस आपको अब बता देता हूँ।
या वो अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये हो गई है 5 मिनट की वीडियो हमारी। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना दोस्तों, अभी जाके अपना ब्लॉगर अकाउंट क्रिएट करना, अपना जो आर्टिकल का आपने नाम सोचा है वो नाम आपको डालना है बिना किसी सिरदर्द को ज़्यादा लिए, और नेक्स्ट स्टेप के लिए कल मॉर्निंग में 10 बजे वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन है, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया गया है, ये लिंक सिर्फ आज के लिए वैलिड है। अगर आप 1 साल बाद क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर मैं नहीं कर पाऊँगा, पॉसिबिलिटी यही रहेंगी, क्योंकि उस टाइम कुछ और प्लान होंगे। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर घोंसा खींच के मार दें और वीडियो को लाइक कर लें। अगर पसंद आई है तो क्वेश्चन है कमेंट कर लें। बाय गाइज़।